जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाफर मोहम्मद शफीक है और मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हूँ। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है हाफ़िज़ हेल्पर सीरीज़, ये हमने ही स्टार्ट किया था। और इसमें सबसे पहले तो था अपना डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था बेसिकली ये 2017 में, लेकिन लास्ट ईयर से हमने एलाइड हेल्थ साइंसिस को भी इसमें इंक्लूड किया है, उनके लिए भी हमने गाइडेड सेशन स्टार्ट की हुई है। और इसमें इसमें सबसे पहले तो हमने ऐप बनाए थे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो स्टडी गाइडलाइंस के लिए थे, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और किस तरह ये वर्कअप करता है। तो इस सेशन में भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा हाफ़िज़ हेल्पर सीरीज़ के नेम से ही एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं चीज़ें, स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड। और इस तरह हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, और हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, और हमारी एक वेबसाइट भी है हाफ़िज़ हेल्पर सीरीज़ के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट डाटा जो आपके पास पेपर्स वगैरह हैं या MCQs की प्रिपरेशन वगैरह है वो हम उधर अपलोड करते रहते हैं, वहाँ से भी जाके हेल्प आउट कर सकते हैं। और इस तरह एक और चीज़ है, हम एक ऐप बनवा रहे हैं हाफ़िज़ हेल्पर सीरीज़ की, जिसमें आपके जितना भी डाटा है, आपकी बुक्स हैं, आपकी गाइडलाइंस हैं, आपके पास पेपर्स हैं, आपके MCQs रिलेटेड जितना भी डाटा है वो एक एलाइड हेल्थ साइंसेज के हमने टैब बनवाई है, उसमें उसमें आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं जितनी भी, उसमें हमने अपलोड करनी है, ठीक है। और ये जो आपका आज का सेशन है ये हमने प्योरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रखा है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, 2020 से 2024 उनका सेशन है, और उनके उनकी उनको गाइडलाइन देने के लिए कि उनके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, बुक्स कौन से यूज़ करेंगे, और इसके अलावा UHS का एग्ज़ाम कैसे आता है। और इसमें सबसे पहले जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसमें सबसे पहले तो है हमारे साथ हमना शकील जी हैं, PSRD कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज लाहौर से, और अपना और निमरा सलीम है, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से हैं, और हरीज फातमा है, ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की हैं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से हैं, और हूरिया नूर ये भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से हैं। ये आपको सारा गाइड करेंगे अबाउट एलाइड हेल्थ साइंसेज जितनी भी फील्ड है आपकी। इसमें हमारे ये डिसिप्लिन हैं जो बेसिकली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये डिसिप्लिन के हैं, इसमें MLT है, MIT है, इसमें कार्डिक परफ्यूजन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, और न्यूट्रिशन है। लेकिन आज हम जितने भी डिसिप्लिन हैं सबके ही फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उनमें ये UHS में जितने भी डिसिप्लिन हैं सबको ही हम गाइड कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले मैं हमना शकील से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। हमना शकील मेरा नाम हमना शकील है, जैसे कि सर ने बताया है, तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योंकि हमारे प्रॉफ्स डिले हो गए इस वजह से, और इसके अलावा PSRD कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज से हूँ, और आज हम आपको मिलकर सारे गाइड करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के अंदर UHS को पास किया है। दैट्स इट। हाँ जी, थैंक यू। और अब मैं निमरा सलीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरा नाम निमरा सलीम है और मैं अभी रिसेंटली थर्ड प्रॉफ के एग्जाम दे के आती हूँ, MLT कर रही हूँ मैं PIC से, और हम हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू नए आने वाले अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो बच्चे हैं उनको गाइड करेंगे कि उनको अपना करिकुलम कैसे कवर करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो एक्सेल कर सकें और उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हों और जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर सकें। थैंक यू।
जी थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हूरिया नूर से कि वो आए और अपने इंट्रोडक्शन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हूरिया है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और बाकी हाफिज हेल्पर सीरीज़ में मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इंस्ट्रक्टर हूँ। और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गाइडेंस का जो ये प्लान है हमारा, ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम उनको आते हैं वो ना हो बुक सिलेक्शन में, उनके पासिंग में, इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरीज फातिमा से कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन करें। अरीज फातिमा, आवाज आ रही है? आई थिंक अभी अरीज फातिमा ऐड नहीं हो सके, तो उनका कनेक्शन नहीं आ रहा है, आई थिंक। हाँ, उनका कनेक्शन का इशू होगा, तो वो जो अरीज फातिमा है वो जो हमारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना हूरिया नूर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टार्ट करें अपना सेशन, और सबसे पहले तो सब्जेक्ट बताएं, उसके बाद बुक्स का बताएं, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे फिर आपके साथ मिलना सलीम और हमला स्टील भी आपके साथ ऐड होंगे। जी थैंक यू सो मच सर। ओके, तो हम स्टार्ट लेते हैं टोटल सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट्स आपके 8 हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियरल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज। टोटल मार्क्स आपके 300 हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स 300 हैं, और सबके हर सब्जेक्ट जो है वो इक्वली मार्क्स कैरी करता है 50 मार्क्स। और एक बात मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पेपर आपका होगा, आपको पास होना ज़रूरी है, लेकिन आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मतलब कि इसका रिटर्न पेपर 100 मार्क्स का होगा, इसमें से जस्ट आपको पास होना है। आपकी जो DMC होगी उस पर आपकी मार्कशीट, उस पर इसके रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा। टोटल मार्क्स आपके 300 रहेंगे। तो बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स बच गए वो 6 हैं हमारे पास। दो दो सब्जेक्ट्स मिला के एक पेपर है, जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है, बिहेवियरल साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज का है। ठीक है, सो ग्रैंड टोटल हमारे पास जो है मार्क्स का वो हो जाता है 300 मार्क्स। और जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है, जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आगे हम आते हैं बुक सिलेक्शन पे। बुक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सही बुक से नहीं पढ़ते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कहें कि हमारे SEQs नहीं हैं, सारे के सारे MCQs होते हैं, तो उसके लिए आपको थॉरली कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। आपको इसका रट्टा या एज सच कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, और जितनी माइनर डिटेल्स पर आपकी ग्रिप होगी उतने अच्छे से आप MCQ अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी के लिए जनरल एनाटॉमी की है GA/GA गुलाम अहमद, या है GA/ लईक हुसैन। इन दो में से आप कुछ कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लईक हुसैन को हमारे टीचर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिजियो और एनाटॉमी की है रॉस एंड विल्सन्स फॉर फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये दूसरी बुक। और उसके बाद जो ओस्टियोलॉजी है उसके लिए BD चौरसिया, हमारा जो अपर लोअर लिम ये दो मेजर हैं। उसके बाद थॉरिक्स जनरल सा वो करना है, लेकिन आपने वो BD से करना है। और फिजियोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने गाइटिन यूज़ करनी है। जब आप डायग्रामिंग देखेंगे मैकेनिज्म्स की, स्पेशली कार्डिक साइकिल और ये सब, इसमें आपने एक्सटेंसिव गाइटिन से डायग्राम देखनी है। आपको एक बार उससे पढ़ना है और मिनी गाइटन आपने करनी है, आपने फिरदौस यूज़ नहीं करनी। फिरदौस सिर्फ उनके लिए अच्छी होती है जिनका SEQs उन्होंने करने होते हैं, जैसे DPT के होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं, तो आपने मिनी गाइटन और गाइटन प्रेफर करनी है। उसके बाद आगे पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पैथो के लिए रॉबिन्स, पैथो का सिलेबस, उसमें तकरीबन हमारे जस्ट 4 चैप्टर्स हैं,
तो उसके लिए आपने रॉबिन्स ही यूज करनी है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, वो इस तरह से कि कुछ बुक्स के जो चैप्टर हैं वो आपको कॉपी करवा के, मतलब सारी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कुछ चैप्टर्स हैं वो कॉपी करवा लें। एसिड बेस बैलेंस, ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और तकरीबन 5 to 6 MCQs इस चैप्टर में से आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी सत्या, ये इंडियन ऑथर हैं, उनकी बुक है, उससे आपने सिर्फ एसिड बेस बैलेंस करना है। इंजाइम और वाइटामिन्स के लिए जो है आप लिपिनकॉट यूज़ करेंगे। लिपिनकॉट में वाइटामिन्स का टेबल बहुत अच्छा दिया हुआ है और इंजाइम्स वहाँ पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो बुक रह जाती है वो है मुश्ताक, और उससे आप लोगों ने जनरली सारा करना है। एक और बात मैं ऐड करती चलूँ कि हमारे पास बायोकेम की एक शॉर्ट बुक भी है, उसका नाम है फाइक। वहाँ से आप लोगों ने उनके जो मैकेनिज़म्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनके सबके मेटाबॉलिज्म्स हैं, वो टेबल फॉर्म में बहुत अच्छे दिए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सत्या से आपने एसिड बेस बैलेंस करना है। ये एसिड बेस बैलेंस आपका सारी ज़िंदगी के नॉलेज में काम आएगा और ये बहुत बेसिक है। लिपिनकॉट से आपने इंजाइम्स और वाइटामिन्स करने हैं। मुश्ताक से आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इन जनरल देखें, और फाइक से, फाइक हमारी शॉर्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री की, यहाँ से आपने क्या देखना है, यहाँ से आपने मेटाबॉलिज्म्स देखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे आते हैं हम बिहेवियरल साइंस में। इसकी एक ही बुक है, हैंड बुक ऑफ BS बाय मुवद्दत हुसैन राना, इसमें जो है आप ये सारा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की बाकी तो कोई बुक नहीं, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके जो आपके सिलेबस के कंटेंट हैं उसके अकॉर्डिंग बुक से मैच करके आपने जस्ट करने हैं। और बाकी जो रह जाते हैं, जैसे हमारे पास इसके कंटेंट्स होंगे MS वर्ड, विंडोज और ये सब कुछ, इसमें आपने क्या करना है, इनकी जस्ट कीज अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद रह गई पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। तो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए बुक है अजीज़ आसान इस्लामियात, उसमें हमारी सूरह हुजरात और सूरह फुरकान और बाकी जो हमारे फिका के मसाइल हैं कुछ, बस उसकी बहुत माइनर सी डिटेल्स हैं, वो आपने करनी है। और पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि हमने FSC जब की थी, मैट्रिक की है, सेम जो है हमारी बुक जो हमने पढ़ी है, आप वापस वही उठा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वो माइंड में अभी भी होती हैं। और ट्रूली स्पीकिंग ये चीज़ हम जस्ट पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो आप जब पाकिस्तान स्टडीज़ अपनी FSC की बुक से प्रिपेयर करते हो तो आपको जस्ट चंद घंटे लगते हैं दोबारा से उनको प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये आपकी बुक सिलेक्शन हो गई। अब बाकी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच मिस्टर शफीक। जी थैंक यू हुरियानूर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। अच्छा, अब मैं हमने स्केल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एनाटॉमी और फिजियो का गाइड कर दें कि इन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ना कैसे है और इसमें से MCQs कैसे उन्होंने ग्रैब कर लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने सबसे पहले ये कहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली के इस सेशन को स्टार्ट हुए 2 to 3 मंथ्स तो गुजर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो अगर हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लें कि अगर वो खुद भी डिस्कस कर लें कि उन लोगों को किस तरह से डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और किस किस तरह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो साथ साथ शेयर कर लें तो हम उसी वे में इसको ले। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं एनाटॉमी फिजियो के? एनाटॉमी का तो अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, फिजियो के 3 यूनिट हो गए हैं, उसके अलावा पैथो का भी सेकंड यूनिट चल रहा है।
अच्छा मैं एक बात यहाँ पे सबको बताऊंगी कि एनेटमी और फिजियो में जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले न्यूरो पकड़ते हैं, ठीक है, अगर न्यूरो करते हैं तो आप कोशिश करें कि न्यूरो को अगर आप एनेटमी से कर रहे हैं तो न्यूरो को फिजियो से भी कर लें, ताकि जब आप उसका स्ट्रक्चर पढ़े ना साथ में आपको उसका फंक्शन भी समझ आ जाए। लेकिन अगर आप एक बार एनेटमी का सिर्फ न्यूरो कर रहे हैं, फिजियो में 2 माह बाद कर रहे हैं, तो ऐसे जो है ना कंसेप्ट जो है खराब हो जाते हैं। तो मैं मोस्टली यही प्रेफर करूंगी कि आप फॉर एग्जाम्पल रोजेन विल्सन की बात करते हैं, तो रोजेन विल्सन से हमने जब भी पढ़ना है न्यूरो का चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन है, डाइजेस्टिव है, कार्डियो है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनेटमी के साथ ही फिजियो को लेके चलो। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ लोगे देन आपके लिए फिजियो उसका फंक्शन पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और गाइडेंस जो है उससे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से कंसेप्ट हैं और कंसेप्ट हर एक के टीचर्स के डिफरेंट होते हैं, आपके कॉलेजेस डिफरेंट हैं, सबके डोमेन्स डिफरेंट हैं। फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि एक बार बुक को सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है कि ये इसका कंसेप्ट है, इसके पीछे की ये एक सिनेरियो बना लो अपने माइंड में, देन आप इसको लेके आगे चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूएचएस का जो पेपर है एनेटमी एंड फिजियो का वो क्वाइट डिफिकल्ट आई नो, क्योंकि फर्स्ट ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज हैं, एससीक्यूज बिल्कुल नहीं है। एससीक्यूज में फिर भी थोड़ा सा मार्जिन मिलता है पास होने के लिए, तो इसके अंदर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना है कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए बुक बहुत जरूरी है फॉलो करना, शॉर्ट बुक्स की तरफ। बुक्स का सर्टिफाइड है ना, गाइडन हॉल की पढ़ी है, वो रीड किए बहुत अच्छी है, लेकिन इश्यूज आता है ना, फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो यूएचएस एमडी गेट की तरह होते हैं ना, स्किप करने होते हैं, जी फिर जी उनका भी आइडिया नहीं है ना, तो वो भी इशू आ रहा है स्टार्ट में अभी। आपका कौन सा है, किस डिसिप्लिन से? सीपीटी है। अच्छा देखो आप लोगों के भी हर एक के यूएचएस के अंदर एक स्पेशल पोर्शंस होंगे कि यही यही वाले पोर्शंस कवर करने, आपको एक पूरा सिलेबस मिला होगा 4 इयर्स का यूएचएस की तरफ से, उस सिलेबस को आपने खोलना है, टॉपिक्स को सामने रखना है, उस टॉपिक को आपने पढ़ना है सिर्फ, बाकी टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ना, सारी गाइडन नहीं पढ़नी, गाइडन से जो मैकेनिज्म्स हैं वो पढ़ लो, गाइडन से पिक्चर्स को देख के एक जहन के अंदर एक स्टोरी बना लो। सारी गाइडन कोई भी याद नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट बुक है, लेकिन कंसेप्ट गाइडन से ही बनेंगे। अगर हम फिर दोस्त पढ़ते हैं ना, तो फिर दोस्त से आपको ये तो नहीं पढ़ता कि जब एमसीक्यूज आएंगे तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो वो आप रीड करो। उसके बाद आपको ग्रुप्स बने हुए यहाँ पर हाफिज हेल्पर सीरीज के, आपके कोई क्वेश्चंस हैं वी आर हेयर टू हेल्प यू, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना कि आपको किस क्वेश्चन की जरूरत है, जी। तो बाकी हम आपको ग्रुप्स में बता सकते हैं कि आपने एमसीक्यूज को कैसे करना है, किस किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम एनेटमी की बात करते हैं तो एनेटमी के लिए मैं रट्टा जो है वो प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हर स्टूडेंट रट्टा नहीं लगा सकता, लेकिन ब्लड सप्लाईज, नर्व सप्लाईज, मसल्स, ओरिजिन इंसर्शन, ये रट्टा है, आपको यही पता है कि इसकी नर्व सप्लाई ये है तो ये है, तो वो एनाटॉमी से आपको पक्की याद करनी पड़ेगी सबकी, रीजन वाइज याद कर लो। ब्रेकियल प्लेक्सिस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस की ये वाली नर्व्स हैं, ये वाली आर्टरीज हैं, ये वाली वेन्स हैं, ये चीजें आपको पक्की करनी पड़ेंगी। सिर्फ जो कंसेप्ट आता है वो फिजियोलॉजी में आता है, और फिजियोलॉजी में आपको सिनेरियोस पिक करने होते हैं, और वही डिफिकल्ट टास्क है। जिसने सिनेरियो पिक कर लिया उसका एमसीक्यू ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी तो हमें याद हो ही जाएगी कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। डिफिकल्टी आती है फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी को साथ, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको फिजियोलॉजी में? मैम फिजियोलॉजी से अभी ना कॉन्सेप्ट नहीं पिक हो रहे, मतलब जो टीचर पढ़ाती है सिर्फ वही रहता है कॉन्सेप्ट, गाइडन पढ़ो तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपस में घुलने मिलने शुरू हो जाते हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, आपकी भी स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट्स इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वो टाइम लगेगा, लेकिन उसको रीड करना है। उसको ना हम एक, मैंने अपने लिए एक प्रॉब्लम था कि जब हम लोगों ने कार्डियोलॉजी पढ़ी थी ना, कार्डियक, तो हम लोगों को टीचर्स ने बहुत अच्छे वे में पढ़ाई थी, और हम लोगों ने क्या किया था, जब टीचर्स बताते थे ना तो जहन में एक स्टोरी बना लेते थे कि फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट को पढ़ रहे हैं हम, या हम वॉल्व्स को पढ़ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले वेन आ रही है, वेन के बाद हार्ट आ रहा है, हार्ट के अंदर जाके ब्लड ने ठीक है पंप करना है पहले, ये वाला एक स्टोरी बना लो। जरूरी नहीं है कि आपने उसको याद करना है, रटना है, सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट ले लोगे ना तो सिनेरियो पिक कर लोगे। मैंने
अपनी ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 4 ईयर्स में यही किए हैं कि अगर आपने एक सिनेरियो को कंसेप्ट बना लो ना, कंसेप्ट के बाद सिनेरियो पिक करना सीखो, गाइड एंड रट भी लोगे तो क्या होगा अगर एमसीक्यूज करने नहीं आए, तो उसके लिए एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलावा उसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, और रोजन विल्सन भी अच्छे से कर लो साथ में आप, तो आपको सिनेरियो पिक करने आ जाएंगे, क्योंकि पहले आप उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे देन आप फंक्शन पे जाओगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। और कोई क्वेश्चन एनाटॉमी और फिजियो के बारे में? बाकी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस किस चैप्टर में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये बता सकती हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में जो भी करना है। आप बुक्स हैं इस वक्त अगर मैं आपको पॉइंट करवा दूं तो ये, वरना ये बात में भी आप पूछते रह सकते हैं, जैसे जैसे आपको जरूरत हो आप ग्रुप में मैसेज कर लो, आप पर्सनली मैसेज कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। अभी तो स्टार्ट हुए ना लेक्चर, इसलिए पढ़ा भी कुछ नहीं है ज्यादा, बस मैक्सिमम 1 मिनट तक किया है, तो आपको कांसेप्ट लो में डिफिकल्टी आ रही है, आप लोग क्वेश्चंस करो, लेकिन एनाटॉमी फिजियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास करना मुश्किल हो जाता है इसको, अगर हमारे कांसेप्ट्स नहीं है तो इसको आपने साथ साथ लेके चलना है, और सेम एज इट इज अपनी एनाटॉमी फिजियो को इस तरह से करना है कि जिसका आप बोन्स कर रहे हो तो उसी बोन के मसल्स भी साथ में रीजन इंसर्शन पक्के कर लेने हैं, उसके बाद सिस्टेमिक पे आना। मैंने पूछा था कि जैसे जो टॉपिक्स हमें सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये बेस्ट है कि हम उस टॉपिक को थोरली, मतलब उसको सारा सारा उसकी एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बार दफा ये होता है ना कि टीचर्स कहते हैं कि आप जो चीजें हाईलाइट हुई ना उसको ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लें, ये चीजें पढ़ लें, ये पढ़ लें। आप लोग की बुक वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, अगर बात करते हैं हम रोजन विल्सन की और गाइटन की, गाइटन एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है ब्रेन का या कार्डियक, ये फिजियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा कि आप सबसे पहले कंसेप्ट ले लो, कंसेप्ट लेने के बाद उसकी एनाटॉमी पढ़ लो, एनाटॉमी पढ़ने के बाद फिजियो का फंक्शन पढ़ो, फंक्शन के बाद डिसऑर्डर्स पढ़ लो, बस ये वाली इतनी 3 चीजें रखो, और ये जितना आपको जहाँ से नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि यूएचएस का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, हम सिर्फ बुक्स गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, उसका हम कंसेप्ट ले सकते हैं, लेकिन रीड जरूर करो एक बार, आपको नहीं पता कोई क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लेते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने पर रिलाई नहीं करना। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और स्कोप के बारे में कोई गाइड कर दे सीपीटी, क्योंकि हम न्यू है, थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे ज़हन में पहले एमबीबीएस एमबीबीएस सटा हुआ था, तो एक लाइड हेल्थ साइंसेज में है, तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को भी यही फेस करनी पड़ी थी कि भाई डीपीटी नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, तो व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मैं अब आफ्टर 4 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नाउ आई एम प्राउड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिकॉज जब आप फील्ड में आते हैं ना प्रैक्टिकल में, अब हम देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एमबीबीएस हैं, जब आपकी सैचुरेशन ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन ज्यादा हो जाएंगे, सैचुरेशन ज्यादा हो जाएगी, कल को आपके पास जॉब्स नहीं है तो आपका फिजियोथेरेपी भी काम नहीं दे सकती, आपका एमबीबीएस भी काम नहीं दे सकता, आप जिस डिसिप्लिन में हो आप उस डिसिप्लिन में अपना फुल पोटेंशियल लगाओ, देन आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा, और जहाँ पर सैचुरेशन कम है, आप अपने बैच के पायनियर हैं, ठीक है, आप तो पायनियर्स जो होते हैं वो लेकर चलते हैं आपके, आपके लिए तो आगे बहुत ज्यादा सीट्स भी होंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, इसमें परेशान होने वाली तो कोई भी बात नहीं है, सो इस चीज को नहीं आपने फील करना, ठीक है, हर हर इंसान अपनी जगह पे है, अगर एक पेशेंट को हम लेकर चलते हैं तो अगर उसी पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देख रहे हो, तो उसी को स्पीच थेरेपिस्ट भी देख रहा होता है, सबने अपना अपना रोल प्ले करना है, कोई किसी का रोल प्ले नहीं कर सकता, तो आपका रोल अपनी जगह पे है, और इवन अब कोविड है और सीपीटी वालों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, तो अपने रोल को खुद आपने रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ऑनलाइन में ना वो कवर नहीं होता ना उस तरह के जैसे फिजिकल में होते हैं, इसलिए भी बैड लक भी कह सकते हैं, हमारे साथ भी फाइनल ईयर में ऐसे ही हुआ, क्योंकि फाइनल ईयर जो होती है वो प्रैक्टिसेस के लिए होती है और क्लिनिकल के लिए होती है, और बैड लक ये हो जाती है कि फाइनल ईयर में हॉस्पिटल्स बंद हो गए कोविड की वजह से और ऑनलाइन की वजह से, बट मैं अभी भी कहूंगी ऑनलाइन अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने एक बार सुन के बुक रीड करो, बुक रीड करने के बाद क्वेश्चन करो, उसके लिए आपको जो भी आपके लिए इजी आप क्वेश्चन करो, उसका हम अगर आंसर आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दे सकें, जैसे आपको गाइड करना कर सकते हैं पॉसिबली, बेस्ट पॉसिबली वो हम करेंगे, बाकी ये तो आपको सबके साथ साथ ही है ऑनलाइन सेशंस, और वो इंशाल्लाह आदत हो ही जाएगी जब तक सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले गए।
और मैम ये आफ्टर 4 ईयर हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, सेफ्टी वाले या एमएलटी, ये जो भी अलाइड हेल्थ सकते हैं। कर सकते हैं, बट कोलैबोरेशन है ना, देखें आप सीपीटी को आप पूरा एब्रिवेट करो, तो आप कार्डियक पल्मोनरी है ना? जी। हाँ, कार्डियक परफ्यूजन। हाँ तो ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल सेटअप में, प्राइवेट भी होते हैं गवर्नमेंट भी होते हैं, आप उसमें विद कोलैबोरेशन काम करते हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक वार्ड्स में काम कर सकते हैं जहाँ पे इससे रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, तो वो कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन पॉसिबल है, या आप वहाँ पर जरूर करें इंटर्नशिप करके, पहले अपनी प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ करो। हर जगह आजकल स्कोप है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, तो डिसहार्ट नहीं होना और अपनी स्टडीज पे फोकस करनी है, ठीक है? ओके तो मैम, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं क्या हम इधर भी जॉब कर सकते हैं? मतलब वो हमें आएंगे, हमें सिर्फ हमारी डिग्री देके कहते हैं कि ठीक है, अब आप अपनी जॉब्स खुद ही ढूंढ लो। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब मैं स्टार्ट में थी तो मुझे भी ये लगता था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, मैं तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। इवन हम अपने रिलेटिव्स को बताते थे तो वो भी यही पूछते थे, ये क्या है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, फिजियोथेरेपी सुना है। अब आज कम से कम उनको बता सकती हूँ कि व्हाट इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जब लोग आके डिमांड करते हैं ना, खुद आकर, देन पता चलता है मतलब आपकी अपनी फील्ड की वैल्यू क्या है। इसी तरह आपकी अपनी फील्ड है, ठीक है, हर फील्ड की अपनी वैल्यू है, और जिस इंसान को उस फील्ड की जरूरत होती है ना, वही उसकी ज्यादा डिमांड बेहतर तरीके से जान सकता है। या आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, जब आप फाइनल ईयर में जाओगे क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे, तब आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप एक पेशेंट देखोगे, उससे रिलेटेड दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, देन आपको पता चलेगा पूरा चेन होता है, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जी थैंक यू। हमने एक्सक्यूज अभी ये सेशन एंड होने वाला है 40 मिनट्स का, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने दोबारा ये ज्वाइन करना है, यही लिंक दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है, जब ये खत्म हो जाए। ओके सर, एक्सक्यूज मी मैम, मैम पीआईसी में कितना प्रैक्टिकल वर्क मिलता है स्टूडेंट्स को एमएलटी के? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम पीआईसी। हाँ निम्रत नहीं, आप बता दें। हेलो जी, हाँ जी, मैं पीआईसी से हूँ और मैं एमएलटी कर रही हूँ। जो तो है फर्स्ट ईयर, उसमें जो आपका लैब वर्क है वो कोई कुछ भी नहीं है, उसमें मोस्टली थ्योरी ही है। जब आ जाता है सेकंड ईयर, उसमें उसमें लैब वर्क है, और पीआईसी की बहुत अच्छी लैब है, और मंथली रोटेशंस होती हैं हमारी ब्लड बैंक में और हीमाटोलॉजी सेक्शंस में, और हिस्टोपैथोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, उनकी मंथली रोटेशंस होती हैं, और आपको काम भी बहुत यानी के तरीके से वो सिखाते हैं, बिल्कुल ऑटोमेशन भी और जो मैनुअल हो रहा है वो भी। देन आगे थर्ड और फोर्थ प्रॉफ में भी ऐसे ही है, लैब्स में आपको प्रैक्टिकल वर्क वो दिखाते भी हैं और करने को देते भी हैं, रोटेशंस होती हैं, और उसके बाद जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है उसमें वो परफॉर्म भी करवाते हैं। इसलिए इस बात की बिल्कुल भी आप परेशानी ना लीजिएगा कि सिर्फ वो पढ़ाएंगे और आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप पढ़ोगे या काम करने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पीआईसी में ऑटोमेशन लैब भी है और साथ कुछ मैनुअल काम भी होता है, तो वो स्टूडेंट्स को फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद आगे होके भी परफॉर्म करें और उसमें एक्सेल करें। जी मैम, एक और बात, हर कोई ये कहता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत मैटर करता है किसी भी डिग्री के लिए, क्योंकि हमारी डिग्री पे हमारे इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन होता है। तो अब अगर एक स्टूडेंट केई से एमएलटी कर ले, और एक जैसे हम हैं, अब हमने पीआईसी से जैसे ज्वाइन कर लिया, तो हमारी डिग्री पे पीआईसी मेंशन होगा, तो मैम क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है बाद में जॉब मिलने में? क्योंकि सुनने में यही आया, जो केई से नहीं करते हैं ज्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब्स के लिए। नहीं ऐसा नहीं है। एक तो ये कि ये जो हमारा है सारा वो प्रोफेशनल वर्क है, आपको जितना ज्यादा स्किल आता है, जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा आपने अटेंशन दी हुई है, उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड होगी, भले आप जहां से मर्जी पढ़े हो। हाँ ये है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन कहीं भी वो आपके अच्छे एक्सपीरियंस को इग्नोर करके आपके इंस्टीट्यूट के नाम को नहीं रखेंगे आगे, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई किंग एडवर्ड से कार्डिक परफ्यूजन बहुत अच्छी की हुई है तो वो सिर्फ पीआईसी वालों को आगे आने दें कि जी ये तो कार्डियोलॉजी से पढ़े हुए हैं, हम इन्हीं को लेंगे, ऐसा नहीं है। जिसने अच्छा काम सीखा हुआ है, जिसको काम बहुत अच्छे तरीके से आता है और टैकल करना आता है सारा जो उनकी मशीन है, वो उसी को प्रेफर करेंगे।
इंस्टीट्यूट का नाम डिग्री के ऊपर ठीक है, आप आगे बताने को इंट्रोडक्शन भी सही है, लेकिन जहां भी जिसका भी दाखला हो गया है वो वहां पर पूरी मेहनत करे, अपना काम सीखे, तो उसको ही प्रेफर किया जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। जी मैम, लेकिन जब हमारा 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो हमारे पास एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना, हमारा तो हमारा जहाँ भी जॉब होगी तो वहाँ पर ही हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, तो मैं इसलिए ये पूछना चाह रही थी। नहीं, इसमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जी, लैब जब आप MLT से हो, लैब्स बहुत ज्यादा हैं प्राइवेट सेक्शन में भी, और गवर्नमेंट में तो वो ऑब्वियसली नहीं देते, तो इंटर्न ही जाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्शन में जब वो जॉब कर लेते हैं फ्रेश को, तो वो इंस्टीट्यूट के नाम को तो देखते ही हैं, लेकिन आपने जो नंबर लिए हैं, जो आपकी स्किल है, अगर आप कैपेबल हो और अगर आपने इस 4 ईयर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप भी कर ली है, या फिर आपने अपनी हिम्मत से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जॉब की है, या कहीं ना कहीं से काम सीखा है और आप उसको CV में शामिल करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको ही प्रेफर किया जाएगा। जी मैम, ये MLT करने के बाद कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब जैसे हाँ, अब मैं मैम लोधरा से हूँ,